श्री सर्वभूतेश्वर शक्ति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रीवा मध्य प्रदेश में परंपरागत तरीके से हुआ रावण वध। रीवा सियासत की परंपरा के अनुसार आज दशहरा के दिन किला परिसर में महाराजा पुरस्तराज सिंह अपने पूरे वेशभूषा के साथ गद्दी पूजन के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर युवराज दिव्यराज सिंह सहित राजघराने के संबंधित कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत किया है। गद्दी पूजन के पश्चात राजघराने की परंपरा अनुसार नीलकंठ के लोगों को दर्शन कराए गए। अपने प्रियजनों से पान का बीड़ा खाने के बाद समाज में कई विशिष्ट लोगों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात महाराज दिगाज की शोभा यात्रा निकाली गई। महाराज की सवारी पहुंचने के बाद रामचंद्र जी के हाथों पर किला परिसर पर बनाए गए रावण का वध किया गया। आपको बता दें कि राजतंत्र के समय पहले भी दशहरा में किला परिसर के अंदर ही रावण का वध किया जाता था। इसके बाद यह कार्यक्रम NCC ग्राउंड में संपन्न होने लगा था। कोरोना काल के चलते एक बार फिर किला परिसर में रावण वध का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। एक बहुत लंबे अंतराल से रीवा का दशहरा मनाया जा रहा है और लगभग मेरे समझ में 250 साल पहले से, थोड़ा शांत रहे, ये पहली बार है कि जिसमें बहुत एक अल्प तरीके से हम मना रहे हैं, अन्यथा बहुत विस्तार और बृहदता पूर्वक यहाँ के लोग सारे जनार्दन, जो जनता हैं वो जनार्दन हैं, वो आज जैसे गद्दी पूजा होती है, भगवान राजाधिराज जी की पूजा करने के पश्चात सवारी निकलती है राजाधिराज भगवान की, उसके पीछे सेवक के रूप में हम लोग सब चलते हैं और जाकर विधिवत जहाँ स्थान निर्धारित होता है वहाँ रावण का वध होता है। आज वो स्थान परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर निर्धारित करना पड़ा। प्रशासन, हम लोग, दशहरा समिति जो है हमारी शहर की, रीवा दशहरा समिति, उसने भी ये निर्णय लिया और मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है शांति बनाए रखने के तरीके से, वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है।